एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बैंकपुर पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम यहां पे बात करने वाले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या हमारे किसी तरह की कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट है क्या आईपीपीएस पीओ के लिए। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आपको केवल 20 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज मान लीजिए 22 साल है और 22 साल की जब आपकी एज है, अगर इस समय वैकेंसी आउट हुई है तो आप आज भी लगा सकते हैं और 30 साल तक लगातार आप आईपीपीएस पीओ के एग्जाम दे सकते हैं और किसी भी ईयर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर जब भी मैं कोई प्री का एग्जाम देता हूं तो क्या वो मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा, क्योंकि प्री तो मेरा क्लियर हुआ ही नहीं है। तो मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूं। देखिए, काउंट वाली कोई बात ही नहीं है। सब केवल आईबीपीएस अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे ये पूछता है कि क्या आपने इससे पहले कोई एग्जाम में अपियर हुए हैं किसी भी नंबर में, 11 में, 10 में, आईपीएस पीओ 10 आया था, 9 आया था, 8 आया था, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो कहने का पर्पज ये है कि प्री आपका काउंट होगा, आपने एग्जाम दिया है तो प्री आपका काउंट होगा, लेकिन उससे आपके उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है कोई भी कि सर मैं तो 4 प्री दे चुका हूं, मेरा एग्जाम एक भी नहीं हुआ, तो 5 में कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो बस अपने ऑन रिकॉर्ड के लिए आपसे पूछ रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर बताना है अगर आपने आईबीपीएस पीओ दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है, तो बिल्कुल वो आपको वहां बताना पड़ेगा कि मैंने दिया है, वो काउंट होता है। लेकिन आप याद रखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 20 से 30 साल की एज है, 30 साल तक आपकी मैक्सिमम एज है, तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है इन दोनों से किसी तरह का कोई भी इफेक्ट आपके आने वाली जॉब के ऊपर नहीं पड़ेगा अगर आप इस साल क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई और भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।